हेलो गाइस, आज मैं मिट्टी से एक डॉल बना के दिखाऊंगा। तो गाइस, ये रहा हमारा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। एक छोटी सी लकड़ी के ऊपर मैंने दो लोहे का कील लगा लिया है, तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया है, सिंपल से एक स्ट्रक्चर है। और देखिए, अभी उसके ऊपर मैं मिट्टी को चढ़ा रहा हूँ। तो गाइस, जब आप मिट्टी चढ़ाएंगे तो शुरू में आपका मिट्टी थोड़ा हार्ड होना चाहिए, मतलब आपका मिट्टी ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वही मिट्टी से फिगर का जो मेजरमेंट है, मतलब फिगर का जो स्ट्रक्चर है, वो आप बनाएंगे। ठीक है, जो दो लोहे का कील मैंने लगा लिया था वो तो सिर्फ पैरों के लिए, और इसकी फिगर के लिए मैं सिर्फ मिट्टी का यूज़ करूँगा, क्योंकि जितना कम स्ट्रक्चर होगा उतना ही आपका जो मूर्ति है वो सूखने के बाद कम क्रैक होगा। तो इसीलिए ये जो पैरों के अंदर मैंने दो लोहे का कील दिया था, तो जब ये मूर्ति सूख जाएगा तब पैर में ही थोड़ा बहुत क्रैक होगा। ठीक है, बॉडी में क्रैक नहीं होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर मैंने कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिया है, जो स्ट्रक्चर मैंने किया है वो मिट्टी से ही किया है। तो इसीलिए जितना लकड़ी या लोहे का स्ट्रक्चर कम होगा उतना ही आपका मूर्ति क्रैक भी कम होगा। और अगर आपका मूर्ति क्रैक हो जाए तो उसको कैसे ठीक करना है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं कि क्रैक अगर हो जाए तो क्रैक कैसे ठीक करते हैं। और ये जो मिट्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये नेचुरल मिट्टी है जो हमारी नेचर में मिलती है, ज़मीन पर मिलती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जो मिट्टी हमारे नेचर में मिलती है उस मिट्टी को आप कैसे यूज़ कर सकते हो क्ले मॉडलिंग के लिए, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पर मैंने दिखाया है कि किस तरीके से आप जो नेचर में मिलती मिट्टी है, जिसको हम सॉयल बोलते हैं, उसको हम कैसे रेडी करते हैं क्ले मॉडलिंग के लिए। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे सभी का मैसेज रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फेसबुक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो गाइस, अभी चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इस मूर्ति को बनाते हैं। और जो लोग ऐसा ही मिट्टी का डॉल बनाना सीखना चाहते हैं, वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, ये एक बहुत ही छोटा वीडियो है। तो चलिए, अभी हम स्टेप बाय स्टेप इस क्ले डॉल को बनाते हैं, और आप भी इस वीडियो को देखते रहिए।